ये देखिए, जो लेके हम लोग आते हैं ना, तो इस पे बैठ के अपना कुछ कुछ लिखती रहती है, सेंटेंसेस लिखती है। तो आज ये लिखी, ओके निया कमन टाइम, क्या क्या सब लिख रहे। देखे लास्ट में क्या लिखा है, अभी मैंने देखा, माई मॉम विल मेक रील देयर। कहाँ पे मैं रील बनाऊंगी? अच्छा, तुम पूरा स्टोरी लिख रही हो क्या? और कौन सिखाया लिखने के लिए? हाँ, डैडी की तरफ देख रही है। शो लिटिल क्लोजर, उसमें लिखा होगा कि मैं मनकूल पारिक। इसीलिए मैंने बोला था इसके पहले की वीडियो में कि ये खुद से लिखने लगी है, भी पूरा सेंटेंसेस वगैरह बना के, तो ये से वगैरह लिख लेगी। स्टार ऑफ द वीक बनी है फिर से, तो ये बना के खुद से लिख लेती है सब कुछ, जो भी आप इसको बोलोगे लिखने के लिए, तो ये ऐसे वगैरह भी आप लिख लीजिए। तो ये हम लोगों के बीच में जो बात होता है ना, वो सब लिखती है। इसके पहले भी एक पार्ट लिखा था इसने, पूरा पैराग्राफ, उस ये पूरा इडियस करके ये फिर से आगे का पार्ट लिख रही है। ये मुझसे पूछ रही है, कैन आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस? तो मैं बोल रही हूँ ओके निया कम ऑन टाइम, जो मैं इसको शाम में बोलती हूँ ना डेली, वो लिख रही है। ये पूरा जो भी हमारे बीच में कन्वर्सेशन होती है ना, सबको ये लिखती है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद ये मैं बोल रही हूँ, निया बोल रही है वेयर वी आर गोइंग, वी आर गोइंग टू मनकूल पार्क, ये मम्मा बोल रही है। फिर निया बोल रही है वाओ आई लाइक मनकूल पार्क, आई विल गो देयर एंड प्ले, आई विल ऑल्सो स्विंग देयर, आई विल ऑल्सो डांस ऑन द ग्रास, माई मॉम विल मेक रील देयर। सो गाइस, सैटरडे की इवनिंग और हम लोग घर से निकल के बस जा रहे हैं कहीं ऐसे ही आसपास आसपास घूमने के लिए, बस बच्चों को थोड़ा घुमा कर लेके आए, नहीं तो बाकी दिन तो स्कूल स्कूल से घर यही है। गर्मी की वजह से दिन में हम लोग कहीं प्लान नहीं बनाते हैं घूमने का आउटडोर। तो निया पता नहीं क्यों इतने दिन से जिद कर रही है उसको बेस्ट जोन जाना, पता नहीं उसके दिमाग में चीज़ कैसे घुस गया है कि उसको बेस्ट जोन जाना है। बेस्ट जोन में क्या लेने जाओगी, सब्जी क्या? आप चलो ना। हम लोग आ गए यहाँ, यहीं से लेते हैं निमेश अपना जो भी आई ग्लासेस वगैरह है, तो उनका टूट गया है, वो ठीक करवाएंगे यहाँ। 1245 AD। यहाँ पे मैं गई थी, मैंने अपना पार्ट भी चेक करा लिया, रिमेश ने तो दे दिया अपना बनने के लिए, उनका टूट गया था चश्मा, तो मैंने अपना पार्ट चेक कराया। ये लोग ऐसे चेक कर देते हैं, तो मेरा स्लाइटली चेंज है, बढ़ा है पार्ट 0.25, तो मैं अभी नहीं लेने वाली हूँ, रहने देती हूँ, मेरा ऐसे काम चल रहा है। उन्होंने बोला ऐसे काम चल रहा है तो ठीक है, इससे भी मुझे साफ साफ दिखता है। सो गाइज, हम लोग घर आ गए और ये हमने खाना ऑर्डर किया है, मतलब इसमें ज़्यादा नहीं है नवनिया के लिए, थोड़ा बहुत हम लोग खाएंगे इसमें से। ये स्माइल पॉइंट से ऑर्डर किया है, तो स्माइल पॉइंट अभी मेरे पास बहुत है, मैं बहुत कुछ और मंगा सकती हूँ, बट इतना मंगाना नहीं था, तो ये आया है आज। तो ये वेज सीख कबाब है, ये मतलब ये हम लोग खाएंगे, मैं और अनिमेश, ये नवनिया के लिए बिरयानी, बट टेस्ट करूंगी मैं इसमें से थोड़ा। निया ये 3 प्लेट ला के रख दी, उसको इतनी भूख लगी हुई है कि उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो सब खाएंगे अभी, बिरयानी खाएंगे। रुको रुको, दे रही हूँ मैं, अपने से ले लेती हूँ। ओके, निया को इतनी भूख लगी है कि पहले उसने वो वेजिटेबल सीख कबाब खाया, खुद से लेके गा रही, उसको इतनी भूख लग गई है। लॉलीपॉप नहीं मंगाया बेटा। अच्छा आ जाएगा, आ जाएगा, खाओ तुम पहले। निया को बहुत अच्छा लग रहा है, बट तीखा भी लग रहा है। निया को आया तो पसंद है, लेकिन तीखा भी है। नाम जाओ, गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो कल गुलाब जामुन मंगाया था मैंने, तो कल ये लोग बिना खाए सो गए थे, तो अभी दोनों को मिला, और आइसक्रीम अनिमेश लेके आया दोनों के लिए, तो अनिमेश ने ना मुझे भी, मतलब 3 गुलाब जामुन था एक बॉक्स में, अनिमेश ने मुझे भी थोड़ा आइसक्रीम निकाल के दिया और एक गुलाब जामुन दिया है। संडे को फंडे होता है। हेलो गाइस, तो आज है संडे, संडे की शाम, शाम के बज रहे हैं 5 और हम लोग घर से निकल गए हैं, जा रहे हैं पहले तो सतीश जी के घर पे, उसके बाद हम लोग जाएंगे आज।
आसपास ही कहीं, यानी मतलब अभी हमारा आज बीच पे जाने का प्लान है। तो बात ये है कि धूप बहुत है तो दिन में जा नहीं सकते हैं, तो अभी हम निकले, अभी भी बहुत धूप है 5 बजे शाम में भी, तो शाम में बस जाएंगे, शाम में जाएंगे वही बाहर डिनर करेंगे आ जाएंगे, यही प्लान है आज का। कल से फिर से वही स्कूल, बस यही है। और हम अभी निकल के फिर से वापस घर जा रहे हैं क्योंकि अनिमेश अपने वो आई ग्लास भूल गए हैं, जो ये ब्लैक वाला लगाते हैं ना, जो बहुत लोगों को लगता है कि ये इंडोर रहते हैं तो फिर क्यों लगाए रहते हैं, तो उसमें भी पार है, बट ये रात में नहीं लगा के गाड़ी चला सकते हैं, पूरा अंधेरा अंधेरा दिखेगा इनको, इसलिए वो जो दूसरा लेके आ रहे हैं अभी। सो हम आ गए जेएलटी, अभी वो लोग आएंगे नीचे। वाओ भाभी देखो क्या लेके आए हैं। वी थॉट यू विल कम आउट। मेरा एक चश्मा टूट गया जो मैं बनने के लिए, इसीलिए फिर मुझे याद आया, फिर मैं वापस खाते देखो नहीं अच्छा। आई कैन नॉट सी। अभी चाय भी लेके आई है, गाड़ी चलाते हुए चाय पीने नहीं तो नहीं कर सकता। इधर से रोड नहीं है, हम लोग कहाँ आए हैं, कौन सा बीच है ये? जबल अली बीच। यहाँ पर तो पानी है, हम लोग इन्हें स्विम नहीं कर पाएंगे। कैसे जाएंगे? पानी में चले। हाँ पानी में गाड़ी चलाएंगे। हाँ मजा लगेगा। फिर हम लोग गाड़ी डूब जाएगा। ये पानी का गाड़ी है ना, शिप घूम रहा है, गाड़ी डूब जाएगा और गाड़ी नहीं खुलेगा। गूगल में दिखा रहा था आगे से राइट है, पानी में बट ये गाड़ी सब पानी में क्यों है? इधर वो बाढ़ जब आई तो अच्छा 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 उसकी वजह से। यहाँ पे इतने सारे कैरावैन लगे हुए हैं लेकिन पूरा पानी है। पानी में चलो ना एक बार। मम्मा वो कार देखो, अच्छा देखो, अच्छा कार है देखो। सतीश अंकल वही लेने वाले हैं ना, जो ब्राउन कलर का है ना। मेरे से पूछ रहा था कि सतीश अंकल क्यों ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं? निया पूछ रही थी। हाँ निया पूछ रही थी। तो आप क्यों नहीं जा सकते? यू हैव योर ब्रदर, ही इज स्मॉलर एंड बिगर, ही इज स्मॉलर देन मी। वो पर्थ में रहते हैं क्या? ही इज 1 year old or 2। कुछ खाने के लिए कुछ लेके आएंगे एक दिन, ओके? इट विल बी अ नाइस पिकनिक, ओके? नेक्स्ट वीक अगेन विल कम, सेम प्लेस, एट लीस्ट अभी वी नो व्हाट इज हियर। वॉटर वैसे प्लान करके आएंगे। अनिमेशर ओके टू गेट इन टू वॉटर राइट? पानी के अंदर जाओगे? ठीक है फिर वेदर लैंड चले जाएंगे सीधा। हम लोग को बीच जाना है। आउटलेट विलेज सेम ही है, बाजू में ही है, सो वी विल गो डायरेक्टली टू रिवर लैंड। अगर धूप लगा तो वी कैन गेट इनटू दैट मॉल, अदरवाइज वी विल स्टे इन रिवर लैंड, नो प्रॉब्लम। इसके आगे पीछे घूम रहे हैं इस रास्ते में। पाम जबल अली नॉट हॉट बट बंद है, no nothing but band hai inside, there is no tea, okay? It's empty. To yahan pe kya villa sab aur kya price hoga? Bahut zyada because it is an old palm hai na, ha palm jewel jo palm jewel hai yahan pe kya price, so waise idhar bhi ban jayega but iska kya price hoga? Idhar dikh raha hai, you can check. He made this so that jo bhi ye palm ke kaam karenge na they will stay. ये पूरा बारिश का ही पानी है अभी तक लगा हुआ है, देखिए ये बाढ़ वाला पानी। हाँ दे दिस, थैंक यू।
कपड़ा पानी भरा हुआ था ना। 6:45 हो रहा है शाम के और अभी तक धूप है बाहर, इसी कारण हम लोग नहीं गए बीच, क्योंकि बहुत धूप है। पता नहीं लोग इस पे चढ़ते कैसे हैं, तो हम लोगों को जाना था बीच पे, बीच पे न जाके हम लोग आ गए रिवर लाइन। अच्छा बॉलीवुड पार्क, हम आ गए रिवर लाइन दुबई। और ये देखिए बीच पे जाने के लिए मैंने ये पहना हुआ था, ये सोच के ही नहीं आए थे कि हम लोगों को यहाँ जाना है, बट प्लान चेंज हो गया। पहले यहाँ पे रिवर लैंड में एंट्री फ्री थी, अभी टिकट लेना है, देखती हूँ कितने का। 20 दिरहम पर। ओके बच्चों का भी? हाँ हाँ बच्चों का भी लगा 20 दिरहम्स पर पर्सन। तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन। क्या निमेश कुछ तो बोलो। बीच पे जाने वाला फुटवेयर पहन के आ गया, हमको बोल रहे जा मैं क्या करूँगा। तो क्या करूँगा, यही है रिवर लैंड, कलरफुल वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, अच्छी जगह है ऐसे घूमने के लिए, शाम में आओ टाइम बिताओ, दिन में तो आ नहीं सकते धूप इतनी रहती है, बाप रे। काफ़ी हैपनिंग जगह है, लोग बैठ सकते हैं घूम सकते हैं, और उधर भी है कलरफुल सब कुछ देखने के लिए, पर शाम हो गई है अभी, देखते हैं हम लोग कितना टाइम तक रुकेंगे, क्योंकि कल अम्निया का स्कूल है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स भी रात में पूरे करने हैं, इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, हम लोग चले जाएंगे। देखिए अभी थोड़ी देर पहले देख इतनी धूप थी और तुरंत में अंधेरा भी हो गया, और इसी वजह से हम बीच पे भी नहीं गए, क्योंकि सतीश जी बाबी जी को नहीं जाना था। वो है लेगोलैंड, वहाँ बच्चे बहुत इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अभी तो जाने का टाइम ही नहीं है। उधर उस तरफ है बॉलीवुड पार्क, और उधर भी एक पार्क है, मोशन गेट बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, मोशन गेट, हाँ उधर है। जस्ट लाइक कि आपको दुबई में यूरोप जैसा फील करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, पूरा इसके आगे आपको ऐसा ही जाके फील होगा कि आप यूरोप में हो। बिल्डिंग्स वगैरह जो भी है यहाँ पे सब यूरोप जैसा लगता है, यहाँ पे जो भी ऐसे बने हुए हैं ना घर वगैरह या जो भी कुछ बना हुआ है शॉप्स वगैरह सब वैसे ही हैं जैसा आउटलेट विलेज में है ना, वो पूरा यूरोप वाली फील आती है, यहाँ भी वैसा ही है। बहुत सारे शॉप्स तो बंद हो गए कोविड के टाइम में, यहाँ पे तो खुले ही नहीं। सब दौड़ रहे हैं, लेजर शो हो रहा है बहुत देर से, सबको देख रहा है बट पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं। अच्छा ये जैसा है क्या, दूसरे एंगल से देख रहा हूँ तो इसीलिए उल्टा सीधा दिख रहा है। ये है यहाँ की कलरफुल बिल्डिंग्स, दिन में ज़्यादा पता चलेगा, अभी रात में पता नहीं चल रहा, दिन में कलर्स बहुत उभर के आते हैं और अच्छा दिखता है, बट हाँ बट वही है ना दिन में धूप के कारण आ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा धूप होती है ना, बट दिन के पिक्चर्स यहाँ पे बहुत अच्छे आएंगे, कलरफुल है ना सब कुछ। तो अब हम लोग पेट पूजा करेंगे, मतलब कुछ खाएंगे तो यहीं पर खा लेंगे, येला बॉम्बे। यू वॉन्ट वाटर? हाँ बिकॉज लाइट इज ग्रीन हियर, लाइट इज ब्लू हियर। यहाँ पे यही सब मिल रहा है, दही भल्ला है भाभी, आप दही भल्ला ही बोल रहे थे ना, दही दैट योगर्ट, हाँ 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 दही वाला में आपको योगर्ट मिलेगा।
And there is sep puri is also there. If you want. You want something with yogurt, na? Yeah. So there are two options, like ye or wo. Dahi balla, right? If you want puri with dahi, then I think it is dahi sep puri. This one, right? Ask him, na. हाँ. दही सेब. नव रो रहा है क्योंकि बहुत मच्छर है, बहुत ज़्यादा. पता नहीं दुबई में इतने मच्छर कैसे बढ़ गए हैं. हमें भी काट बहुत. अब दोनों रो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर है, हद से ज़्यादा मच्छर है. नहीं, सतीश जी अपना शौरमा लेके आए हैं, उनको शौरमा खाने आता है. अच्छा, इनके लिए. और हम लोग खाएंगे चाट. मैं भाभी खाएंगे दही भल्ले, मैं चाट, अनिमेश भी चाट. वो पानी है, ये पानी है. हाँ देखो पानी ही है. नहीं, ये कहाँ पानी है बेटा, पानी देखो, पानी. स्टिल ड्रिंकिंग. तुमको क्या लगा? कोल्ड ड्रिंक है. पानी है. अच्छा ये है दही पूरी है. ये पुट द ट्रे इनसाइड. तो मेरे लिए पापड़ी चाट, अनिमेश के लिए पापड़ी चाट, भाभी के लिए दही पूरी, नवनिया के लिए दही पूरी. पानी. यू शुड नॉट वरी. पूरी. हाँ पानी पूरी. हाँ खाओ पानी पूरी है. एक्चुअली गाइज ये जो एंट्री फी है ना यहाँ की 20 dirhams, वो आप रिडीम कर सकते हो. कुछ भी खाओगे यहाँ पे ना तो रिडीम हो जाता है. तो हमें सिर्फ इसके लिए एक्स्ट्रा 20 कितना देना पड़ा एक्स्ट्रा आपको? 16 dirhams ना. कितना टिकट दिया आपने? चार. मैंने चार टिकट इस काउंटर पे दिया. तो ये जो चार चीज़ लेके आए ना इधर चाट वाला, तो 16 dirhams से बस एक्स्ट्रा पे करना पड़ा. सतीश जी ने दो टिकट उधर दिया तो सतीश जी का भी वो रिडीम हो गया. तो ये चीज़ आप इसलिए लोग यहाँ पे खा पी रहे हैं क्योंकि टिकट्स के जो पैसा है ना वो रिडीम कर सकते हो. कुछ तो हो रहा है, भीड़ जमा है पूरा. देखिए जो ऐसा घेरा हुआ है ना, यहाँ पे कूड़ा पानी था, एक वीक से ज़्यादा तक पानी रहा, इस पर ऐसे घेरा हुआ है, पूरा लेक ही बन गया था यहाँ. 62. देखिए. सो गाइज आ गए हम लोग जेएलटी और अनिमेश के मेरे लिए पानी लाने वीवा से, क्योंकि मुझे प्यास लग गई थी. सतीश जी भाभी जी लोग चले गए ऊपर और यहाँ पे मैं गाड़ी पार्क की हुई है जेएलटी में ही, और पानी था नहीं गाड़ी में बॉटल, तो ये लाने गए. एक्चुअली आज हमारा प्लान कुछ बना, मतलब प्लान बना था हम लोग बीच पे जाएंगे, पूरा एक तरफ तो पानी ही था जो सोच के गए वो हुआ नहीं, दूसरी तरफ जहाँ पे थोड़ा बहुत एरिया था जहाँ पे जा सकते थे, तो वहाँ पे भाभी जी और सतीश जी का मन नहीं लगा क्योंकि धूप बहुत, 6:30 थी. तो भाभी जी बोल रहे थे मैं नहीं जाऊँगी, मेरे चेहरे पर धूप, उनको बर्दाश्त नहीं होता, उनके चेहरे पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. तो बोल रहे थे मैं इतनी धूप में नहीं जाके बैठूंगा, कुछ बैठने के लिए भी नहीं रखी, छोड़ दिया था हमने. सतीश जी की गाड़ी में था वो लेके ही नहीं जा पाए हम लोग, हमारी गाड़ी से हम लोग गए थे, तो मैट उन्हीं की गाड़ी में था. तो फिर आज का प्लान कैंसिल हो गया, हम लोग रिवर रैन चले गए, वो भी शाम हो गई, तो देहरादून इतना क्या, थोड़ा बहुत बस घूम के आ गए. तो अब नेक्स्ट वीक शायद जाएंगे हम लोग, देखते हैं. अच्छा तो प्लान कैंसिल हो गया, बच्चे सारा टॉयज वगैरह सब लेके आए थे, दोनों के दोनों गुस्सा है इस कारण से कि हम लोग बीच पे नहीं गए. सारा प्लान वो हो गया. रिवरलैंड भी एक्चुअली जो बिल्डिंग्स वगैरह है ना रिवरलैंड में. अच्छा नेक्स्ट वीक चलेंगे, गाड़ी में ही रहने देना टॉयज, ठीक है? बीच वाले हाँ खाना बस लेके जाएंगे. रिवरलैंड भी जो बिल्डिंग्स वगैरह वहाँ पे जो बने हुए हैं ना, जो कलरफुल, जो देखते हुए सुंदर लगते हैं, वो सब दिन में अच्छा आएंगे. दिन में जा नहीं सकते, इतनी धूप है कौन निकलेगा, 10 मिनट भी आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी गर्मी है. शिखा के गेस्ट आए हुए थे, वो लोग दिन में गए थे. शिखा मुझे बोल रही थी कि दिन में हम लोग की हालत खराब हो गई, तो दिन में नहीं जा सकते. ठंडी के टाइम में आप दिन में जा सकते हो, शाम में जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, अभी तो नहीं जा सकते. तो अभी का टाइम ठीक था, बस फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह अच्छे नहीं आएंगे, दिखता नहीं, बाकी टाइम बिताने के लिए अभी का टाइम ठीक है. और अभी घर जाएंगे ना, अपने के स्कूल का भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट जो अभी पूरा करना है, सोडा देना है, कंडीशनर देना है, शेविंग क्रीम देना है, कुछ मतलब ये सब देना है, और पैकेट बनाना पड़ेगा वो अलग. इतने देर से मैं आपसे बात कर रही थी, मैंने गाड़ी की लाइट ही नहीं जलाई थी, अभी ऑन किया, अंधेरे में ही मैं आपसे बात कर रही हूँ तब से. और अनिमेश भी आ गए पानी लेके. तब तक और भी कुछ लेके आए हो क्या पानी के अलावा? पानी है. अच्छा इतना पानी लेके आ गए? दो जूस है. अच्छा हाँ वही तो मैं इसीलिए तो मैंने पूछा और भी कुछ लेके आए हो, तो वो आपने बोला बस बोला पानी है, जूस तो बोला ही नहीं, मैं समझ गई थी कि आप जूस ले रहे हो इसलिए इतना टाइम लगा रहे हो. सो गाइस घर आ गए, ये सब तैयार कर रही हूँ. दो में तो सोडा डाल दिया है, सोडा ले जाना है साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए दोनों को. ये मास्किंग टेप से लिखूंगी, लेबलिंग करूंगी नाम और क्या क्या है. और ये कंडीशनर डालूंगी दो में, कंडीशनर ले जाना था या फिर शेविंग क्रीम,
तो शेविंग क्रीम तो नियो फोम यूज करते हैं अनिमेश, तो कंडीशनर डाल दूंगी और ये। सो गाइज यहाँ मैं आज के कुछ पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ। एक्चुअली हम लोग आज घूमने गए थे वहाँ के, क्योंकि आज मैं अपना पूरा लुक दिखाना भूल गई। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पूरा लुक दिखाना भूल जाती हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, तो मुझे जब आप लोगों के कमेंट्स आते तब याद आता है कि अरे आज तो मैंने दिखाया ही नहीं पूरा लुक। तो यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ अटैच कर रही हूँ, इससे आपको मेरा पूरा लुक दिख जाएगा। और आज की वीडियो मैं यहीं पेंट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।